नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को यदि आप सच में शिद्दत से, मन से, आस्था से, विश्वास से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई भी दोस्तों उपाय आप यदि मन से करेंगे तो उसका रिजल्ट सच में अच्छा ही आता है। तो दोस्तों, इलायची, मैंने अपनी कई वीडियोस में इलायची के अलग अलग उपाय आपको बताए हैं कि इलायची लक्ष्मी प्रदान है, इलायची माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। यदि आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के आगे इलायची का भोग लगाते हैं तो हमेशा माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहती हैं। शुक्रवार का दिन हो, पूनम हो, तेरस हो, अमावस्या हो, आप माता लक्ष्मी के आगे घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती, लाल गुलाब का पुष्प अर्पित करें, कोई भी और सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करें और 3 इलायची एक डिश में रख करके आप माता रानी के सामने रख दें और माता रानी के जो भी मंत्र, जैसे कि ओम श्रीम श्रीये नमः, ऐसा कोई भी मंत्र जो भी आपको आता हो, ओम नमो महालक्ष्मीये नमः, जो भी मंत्र आप जानते हो उस मंत्र की 3 माला करें और उसके बाद तीनों इलायची को उठा करके आप खा लें। आपकी कैसी भी इच्छा होगी दोस्तों, बहुत जल्दी पूरी होगी, माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। यदि आप शिवालय में जाते हैं तो कोई लंबे समय की आपकी इच्छा अधूरी है तो शिवालय में आप जाएं और जहाँ तुलसी का गमला हो या जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा हो शिवालय में, उसके नीचे आप 2 या 5 इलायची जमीन खोद करके गाड़ दें और अपनी इच्छा बोल दें। बहुत जल्दी दोस्तों आपका काम बनता है। संध्या समय आप अपने घर में भी जो तुलसी का पौधा लगा है उसके नीचे 2, 3 या 5 इलायची ले लें और उसको आप तुलसी के पौधे के नीचे गाड़ दें और तुलसी के पौधे पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा करके घी का दीपक लगा करके यदि आप अपनी इच्छा बोलते हैं तो भी आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। इलायची जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ यदि आप इलायची रखते हैं तो आपका धन ज़्यादा प्रमाण में बढ़ने लग जाता है, मतलब धन की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये यदि आप करके रखते हैं तो भी आपके घर में हमेशा धन आता रहेगा। चीनी दोस्तों आपके शुक्र को मजबूत बनाती है, इलायची भी आपके बुध और शुक्र दोनों को मजबूत बना देती है। और शुक्रवार के दिन से यदि आपने इस उपाय को किया, शुक्रवार के दिन मतलब करके डाल दिया इस उपाय को, तो समझिए हमेशा आपके शुक्र मजबूत रहेंगे, बुध मजबूत रहेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब जिनके पास धन आने का कोई सोर्स ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास भले करोड़ों रुपए ना आए, लाखों नहीं आए, लेकिन हाथ कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा पास में पैसे रहेंगे। आप देखना कितनी बार ऐसा होता है, आपके पास लाखों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन जाने का रास्ता भी बना हुआ है, पैसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। बिल्कुल इससे विपरीत, जब आप कोई अच्छा उपाय करते हैं, घर में पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह हो रहे हैं, तो धन यदि आपके पास आता है तो खर्च करने के जो रास्ते हैं वो कम होते दिखाई देंगे और धन आपके पास टिकेगा। कई बार मैंने ऐसे उपाय बताए हैं कि यदि इस नंबर की नोट है आपके पास तो जब भी आपका उस नोट को खर्च करने का समय आएगा, समझिए दूसरी नोटें आपके पास आ जाएंगी, वो नोट आपके पास हमेशा रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये दोनों ही चीजें, चीनी और इलायची, आपके भाग्य को, भाग्य की वृद्धि करता है, घर में धन की वृद्धि करता है, घर में माता लक्ष्मी का आविर्भाव पैदा कर देता है। शुक्रवार के दिन जो भी आपका चीनी का डिब्बा है उसमें 2 इलायची डाल दें और उन इलायची को हमेशा चीनी के डिब्बे में डाल करके रखें। 15 दिन हो जाए, महीना हो जाए, तब आप उन इलायची को बदलें, जो आप इलायची, जो पुरानी इलायची है उन्हें आप खा लें,
खाते हैं तो पूरा चबा चबा करके खाएं। जब आप उसको मुंह में डालते हैं, माता लक्ष्मी की तस्वीर अपनी नज़र के सामने रखें या पूजा स्थान में जाएं, माता लक्ष्मी को सामने देखते हुए आप उन इलायची को खा जाएं। दोस्तों, धन का ढेर लग जाएगा। अगर आपको खाना पसंद ना हो तो इन इलायची को आप वहाँ रखें जहाँ आप धन रखते हैं। जब ज़्यादा इलायची हो जाए तो उनको लेकर के जाएं बिली पत्र के पेड़ के नीचे, उन्हें गाड़ दें। दोस्तों, धन आप बटोर नहीं पाएंगे, ऐसा आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। छोटा सा उपाय है, जरूर करें। शुक्रवार के दिन करते हैं, अमावस्या, तेरस, पूनम, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, करके देखें। उपायों को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।